युग धर्म है, जो प्रोसेस है अलग अलग भक्ति के, जो प्रोसेस है, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दर्शनम, साख्यम, आत्मनिवेदन। इस तरह 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम, स्मरण करना, याद करना, अर्चना, पूजा अर्चना करना। इस तरह की 9 प्रोसेस है भक्ति। 9 प्रोसेस, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति की 9 प्रोसेस है। भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदना करना, अर्चन करना, पाद सेवना, साख्यम। इस तरह अलग अलग जो 9 प्रोसेस है भक्ति की, 9 विधियां हैं, उसमें सबसे सरल कौन सी है? 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। एक है भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना। दूसरा भगवान के बारे में बोलना। तीसरा है स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवन चरण सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना। तो सबसे सरल है श्रवण। श्रवण कुछ नहीं करना पड़ता। श्रवण, स्मरण भी कोई बोल सकता है कि स्मरण भी बहुत सरल, लेकिन स्मरण अपने आप नहीं होता है। श्रवण इज वेरी इजी। और पहली है श्रवण, सुनना, हियरिंग। बोलने में भी सोचना पड़ेगा कि क्या बोले, लेकिन श्रवण हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। तो श्रवण इज वेरी इजी, बहुत सरल प्रोसेस है। श्रवण करना केवल बस सुनना है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करते हो उसको सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, श्रवण। तो और सुनने में क्या किसी के कान थकते हैं सुनने में? कभी कान कान थकेंगे सुनने में? अगर दिन भर हमने सुना, कान कभी थकेंगे सुनने में? टायर्ड होंगे, बहुत कान दर्द कर रहे हैं आज, बहुत सुन लिया सुबह से रात तक, कभी नहीं थकेंगे। अब वो हेडफोन अंदर डाल के फुल साउंड में करेंगे तो अलग बात है, फिर तो दर्द करेंगे। लेकिन बिना हेडफोन के आप केवल श्रवण करो, सुबह से रात तक दिन भर श्रवण करो, कान कभी थकेंगे नहीं। मतलब हम कितना भी श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं भगवान के बारे में। अभी तो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं सुनने के लिए। रिकॉर्डेड, पहले तो समय में रिकॉर्डेड कुछ होता नहीं था हमारे पास, अभी रिकॉर्डेड बहुत सारे इस तरह डिवाइस हैं, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। और उससे भी श्रवण कर सकते हैं। सर बहुत सारे डिवाइस मार्केट में, एक डिवाइस ये है। इस तरह पिक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं, दिन भर आप कुछ ना कुछ चला देंगे, एक के अंदर 5 5 10 10 15 15 घंटे बैटरी रहता है उसका, चला दो दिन भर चलेगा। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ श्रवण करते रहो, कीर्तन सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, भूपत के कितने लेक्चर है और भी अलग अलग महाराज के। तो भगवान के बारे में इस तरह हम श्रवण कर सकते हैं, सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो सुनने से जप में भी रुचि आएगी। जब भगवान की कथा हम इस तरह श्रवण करेंगे तो हमारा जप भी अच्छा होगा, और प्रोसेस भी बहुत सरल है। भगवान ने विशेष रूप से कलयुग के लिए प्रोसेस को इजी करके दिया। श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो, सुनने में तो कान थकते नहीं, बोलने में जीवा भी नहीं थकती, हम कितना भी बोलें ऐसा नहीं होगा कि बहुत बोला आज जीवा दर्द करने लग गई। तो भगवान का नाम उच्चारण करने में, बोलने में हम कभी थकेंगे नहीं, सुनने में थकेंगे नहीं।
मतलब भक्ति प्रोसेस इज वेरी इजी, बहुत सरल है, श्रवण कीर्तन, फिर भी लोग करते नहीं क्योंकि रुचि नहीं है। श्रवण कीर्तन करते नहीं क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। तो रुचि जब आएगी तो हम अच्छे से उस काम को कर पाएंगे, उस चीज को श्रवण कर पाएंगे। तो हमें रुचि की आवश्यकता है, भगवान के नाम में रुचि, भगवान के श्रवण में रुचि चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि जो भगवान का नाम है ये बहुत अनमोल है, इट्स वेरी उसकी वैल्यू है, उसके लिए रुचि की आवश्यकता है। तो रुचि की आवश्यकता है, भगवान के नाम की वैल्यू समझना पड़ेगा, इट्स वेरी रेयर, बहुत अनमोल है, अच्छे से जप करना चाहिए उसको, अनन्य भाव से जप करना चाहिए। जब जप करते हैं तो हमारा चेतना के साथ अनन्य चेतना होना चाहिए, अनन्य ना अन्य ना अन्य, मतलब और कुछ नहीं सुनना चाहिए, अनन्य। जब हम जप करते हैं तो और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम को जप करना है और उसको श्रवण करना है। तो हमारे मन को उसमें लगाना है, हमारा जो मानसिक चिंतन है, मन में जो चल रहा है उसको भी भगवान के नाम में लगाना है, मानसिक रूप से पूरी तरह भगवान के नाम में रहना जाएगा। तो ये एक प्रकार का, दो प्रकार की प्रोसेस होती है, ये श्रेय, दूसरी होती है प्रेय। श्रेय प्रेय, तो जो चीज इमिडिएटली अच्छी लगती है उसको करने से आनंद मिलता है उसको बोलते हैं प्रेय, लेकिन जो रियल बेनिफिट देने वाली है उसको बोलते हैं श्रेय। तो एक जो भक्ति का प्रोसेस है श्रेय है, हो सकता है शुरू शुरू में उतनी रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कुछ कुछ दवाई है कड़वी है, कुछ जूस है कड़वा है, शुरू में लग रहा है थोड़ा सा प्रोसेस, लेकिन वो करने से बेनिफिट मिलेगा। प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए, ये एक बोल सकते हैं कि हमारा जो परंपरा में भारत में जो भारतीय रीति रिवाज है तो उसमें ये प्रोसेस नेचुरल है। बाकी लोगों को लग सकता है कि अलग अलग समय कैसे करें, लेकिन भारत में जो भारतीय परंपरा है वहाँ पे नेचुरली कल्चर में इस तरह है। हम देखते हैं गाँव में अलग 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 जगह, हर जगह भगवान के नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, बचपन से हमने सुना, तो हमारे लिए बहुत इजी है, हमेशा 12 महीने सारी ऋतु में भगवान के नाम का जप होता है, अलग अलग समय अलग अलग गांव में सुबह सुबह प्रभात फेरी होती है। ये विशेष शिक्षा है, विशेष विद्या है, हमें इसको अपनाना चाहिए। और उसमें रुचि के साथ उसको जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन, प्रयास किया जो बोला उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम आ जाए कहीं ना कहीं। तो
अच्छे से जप करिए, ऐसा नहीं कि कार्तिक महीना चल रहा है इसलिए अभी जप कर रहे हैं, आगे भी हमेशा जप करना है। तो नियमित रूप से अगर हम प्रोसेस करके इस तरह करते रहेंगे, ये हमारा एक हैबिट का एक पार्ट बन जाएगा। और हम जब प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस को, तो हम उसको किसी को बताएंगे तो वो भी उसको फॉलो करेगा इफेक्टिवली। सो वी शुड आल्सो प्रैक्टिस, इफ वी प्रैक्टिस देन वी कैन प्रीच आल्सो। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, हमें इसको फॉलो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।